क्या आप जानते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी वो पूरे तरीके से खुद के कंट्रोल में है। वो जब चाहे वो खुद से अपनी मर्जी का काम करवा सके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आती है सेल्फ डिसिप्लिन एग्जीक्यूट करने। एग्जैक्टली, और वो इसलिए है क्योंकि हम इसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं कि सेल्फ डिसिप्लिन है क्या। डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल के बारे में सीखें। और ये सब हम जानेंगे साइंटिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर एंड जॉन टैलिनी की अमेजिंग अमेजिंग बुक से, जिसका नाम है विल पावर, रीडिस्कवरिंग द ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो आइए स्टार्ट करते। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि डाइट एंड सेल्फ कंट्रोल आर कोरिलेट। हमारा सेल्फ कंट्रोल इनफाइनाइट नहीं है और हमारे डाइट से कंट्रोल होता है। इसको समझने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पिछले 10 महीने की सारी केस फाइल्स निकाली जिसमें प्रिजनर्स को, गुनहगारों को परोल यानी जमानत मिली। अब सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए आप जज के पास कोर्ट में जाते हैं जमानत, तो कितने चांसेस है कि आपको जमानत मिल जाए? एक्चुअल में साइकोलॉजिस्ट ने सेम टाइप के केस देखे जिसमें सेम टाइप के प्रिजनर्स, जैसे जिन्होंने फ्रॉड किया था, उनके केसेस की सुनवाई होनी। साइकोलॉजिस्ट ने उनके केसेस के टाइम नोटिस किए और देखा कि अगर जस्ट लंच से पहले किसी प्रिजनर का केस जज सुनते हैं तो 10% से भी कम चांस है कि जज उसे जमानत दे, और अगर जस्ट लंच के बाद जज किसी प्रिजनर का केस सुनते हैं तो 65% चांसेस हैं कि उसे जमानत मिल जाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? एक्चुअल में होता यह है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल लिमिटेड है। जज जब भी किसी को जमानत दे रहे हो तो उनके ब्रेन में ये विचार होता है कि कहीं जमानत के बाद ये इंसान दोबारा गुनाह ना कर ले, जिसके लिए उनकी बहुत मेंटल एनर्जी कंज्यूम होती है। और क्योंकि खाने से पहले उनके ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो जजेस अपनी बची हुई एनर्जी इस मेंटल थिंकिंग में वेस्ट नहीं करना चाहते और वो प्रिजनर की जमानत कैंसिल कर देते हैं ताकि वो दोबारा से जेल में चला जाए और अगली सुनवाई में डिसीजन लिया जाए। जबकि लंच के बाद जजेस की ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ज्यादा है, इसलिए वो ये मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए रेडी होते हैं और इसीलिए वो प्रिजनर को जमानत मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने एक और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें दिखाया कि छोटे छोटे डिसीजन भी हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे अफेक्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को एट अ टाइम दो आर्टिकल्स दिए गए और कहा गया कि उन्हें इन आर्टिकल्स में से एक को चूज करना है और जो वो चूज करेंगे उन्हें दे दिया जाए। आर्टिकल्स जैसे कि इन्हें कैंडल चाहिए या टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट या रेड टी शर्ट, पेन या कैंडल एक्सेट। गोल ये था कि ग्रुप ए के स्टूडेंट्स की ब्रेन एनर्जी यूज करवाई जाए, उनसे बार बार डिसीजन दिलवा। इसके बाद ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को बुलाया और इन्हें बस ये आर्टिकल्स देखने को और रेट करने को कहा गया। यानी ग्रुप बी के स्टूडेंट से कोई डिसीजन नहीं दिलवाया गया। उसके बाद दोबारा से दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया और कहा गया कि ऐसा करो, अपने हाथ को इस ठंडे पानी में जितनी देर तक हो सके रखो। अब ऑब्वियसली हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए अपने हाथ को ठंडे पानी में कॉन्स्टेंटली रखने के, क्योंकि बॉडी का ये नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। तो हुआ ये कि ग्रुप ए, जिनसे डिसीजन लिए गए थे, जिनका सेल्फ कंट्रोल जबरदस्ती खत्म करवाया गया था, उन्होंने बहुत जल्दी अपना हाथ पानी से निकाल लिया, जबकि ग्रुप बी ने ग्रुप ए के कंपैरेटिवली काफी देर तक अपना हाथ उस पानी में रखा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड। रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कॉलेज से सेम इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स बुलाए जिन्हें भूख लगी क्योंकि उनका एक मील इंटेंशनली स्किप करवाया गया था। इन स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसके बाद रिसर्चर्स ने एक टेबल तैयार किया जिसमें नई नई चॉकलेट कुकीज बना के रखी गई थी और साथ में एक प्लेट में सिंपल गाजरें रखी थी यानी रेडिश। पहले ग्रुप ए को उस रूम में बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि ये चॉकलेट्स आप लोगों के लिए नहीं, आप सिर्फ ये गाजर ही खाना। उसके बाद रिसर्चर्स उस रूम से चले गए। वहां पर बैठे स्टूडेंट्स उन अमेजिंग चॉकलेट कुकीज को देखते रहे और उन्हें उठा के स्मेल करके वापस प्लेट में रख दिया और ना चाहते हुए भी उन्हें वो गाजर खानी पड़ी। इसके बाद ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को उस रूम में बुलाया और उनको चॉकलेट कुकीज सर्व की गई। अब दोनों ग्रुप, ग्रुप ए और ग्रुप बी को दूसरे रूम में ले जाया गया जहां उन्हें ज्योमेट्री से रिलेटेड पजल सॉल्व करने के लिए दिए गए। दोनों ग्रुप ने सोचा शायद ये उनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट थे कि वो किसी से भी सॉल्व नहीं होने थे और रिसर्चर्स बस ये जानना चाहते थे कि पहले क्विट कौन सा ग्रुप करता है। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल किया था और चॉकलेट्स ना खा के गाजर खाई थी, उस ग्रुप के हर एक मेंबर ने ऑलमोस्ट 8 मिनट में क्विट कर दिया और कहा कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स जिनसे कोई सेल्फ कंट्रोल की एक्टिविटी नहीं करवाई गई थी,
उन्होंने 20 मिनट के बाद क्विट किया, यानी ग्रुप ए के कंपैरेटिवली 2.5 टाइम ज्यादा। तो कंक्लूजन ये है कि हम हर वक्त सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हम एक चीज में डिसिप्लिन दिखाते हैं तो दूसरी चीज में हमारा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है, यानी हमारी विल पावर लिमिटेड है। नेक्स्ट अमेजिंग पॉइंट आता है कि सेल्फ कंट्रोल कैन बी इम्प्रूव्ड। अब रिसर्चर्स के सामने सवाल ये था कि ठीक है, जब भी हम कोई सेल्फ कंट्रोल का काम करते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए हमारे लिए सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या उल्टा भी पॉसिबल है? यानी अगर हम प्रॉपर डाइट से एनर्जी लेते हैं और ग्लूकोज लेवल अपनी बॉडी का मेंटेन रखते हैं तो क्या हम ज्यादा सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए रिसर्चर्स ने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक क्लास के बच्चों को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आज वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से रैंडमली कई बच्चों को दूसरी क्लास में ले जाके ब्रेकफास्ट करवा दिया गया और लंच से पहले इन बच्चों के बिहेवियर को देखा गया। जिन बच्चों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था वो बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इन सबको लंच करवाया गया इन सबका बिहेवियर नॉर्मल हो गया, जैसे कि कोई जादू हो गया हो। एक बार एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। दो तरह के नींबू पानी बनाए गए, एक में शुगर डाली गई जबकि दूसरे में डाइट स्वीटनर। ना ही नींबू पानी देने वाले को और ना ही नींबू पानी पीने वाले को यह पता था कि किस ग्लास में क्या है, और ऑब्वियसली दोनों नींबू पानी का टेस्ट एग्जैक्टली सेम था। काफी सारे लोगों को ये नींबू पानी पिलाने के बाद उन्हें कंप्यूटर गेम खेलने के लिए कहा गया। शुरू में तो हुआ ये कि गेम आसान थी, लेकिन उसके बाद गेम बहुत डिफिकल्ट हो गई, और जिन लोगों ने शुगर वाला नींबू पानी पिया था उनकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा था, इसलिए वो काफी देर तक अपना नॉर्मल बिहेवियर दिखाते रहे, जबकि जिन लोगों ने नॉर्मल डाइट स्वीटनर के साथ नींबू पानी पिया था उनका ग्लूकोज लेवल कम था, इसलिए वो चिढ़ने लगे और अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करके कंप्यूटर स्क्रीन पे थप्पड़ मारने लगे। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि ग्लूकोज बाकी डाइट से भी हमें मिल जाता है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था ये प्रूव करने के लिए कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल काफी हद तक कोरिलेटेड है हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल से, यानी हमने खाना प्रॉपर खाया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर्स ने देखा कि लोग अगर अपनी कैटेगरी के लोगों से ही बात करते हैं तो उनका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, जबकि अगर हम दूसरी कैटेगरी वाले लोगों से बात करें तो उनका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी फ्यूल कंज्यूम करती है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम दूसरी कैटेगरी वाले लोगों से अच्छे से बात करें ताकि उन्हें बुरा ना लगे, जिसके लिए ऑब्वियसली सेल्फ कंट्रोल चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एफिशिएंट वे टू यूज सेल्फ कंट्रोल इज इन हैबिट्स। तो अब सवाल आता है कि अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल इतना लिमिटेड है तो फिर हम किसी भी चीज में एक्सेल कैसे कर सकते हैं, बेस्ट कैसे बन सकते हैं? तो उसके लिए स्टडीज बताती है कि अपनी विल पावर को यूज करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम उसे हैबिट्स बना लें, क्योंकि हैबिट्स 21 से 60 दिनों में बन जाती हैं, और एक बार अगर कोई चीज हैबिट में कन्वर्ट होगी तो उसके लिए बहुत ही कम सेल्फ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, एक बार हम सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले पॉइंट में हमने देखा था कि डाइट एंड सेल्फ कंट्रोल आर कोरिलेटेड। ये पॉइंट कहता है कि अगर हमें अच्छी डाइट नहीं लेते तो हमारा सेल्फ कंट्रोल भी कम हो जाता है। इसमें हमने जजेस और प्रिजनर से रिलेटेड एक रिसर्च देखी थी कि कैसे हाईली इंटेलिजेंट जजेस भी जस्ट लंच से पहले सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए प्रिजनर्स को लंच से पहले जमानत मिलने के चांसेस 10% है, जबकि लंच के बाद चांसेस 65% है। और यही रीजन है कि डाइटिंग से वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेट लूज करने के लिए हमें कम खाना पड़ता है, जिसके लिए विल पावर की जरूरत है, लेकिन विल पावर तब ज्यादा होगा जब हमारी डाइट अच्छी होगी। हे भगवान, ये लूप होल। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा था कि सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड, यानी छोटे छोटे डिसीजंस भी हमारी सेल्फ कंट्रोल की पावर को कम करते हैं। इसमें हमने चॉकलेट कुकीज और गाजर वाला एक्सपेरिमेंट देखा था कि कैसे चॉकलेट कुकीज की टेम्पटेशन की वजह से ग्रुप ए की सेल्फ कंट्रोल की पावर कम हो गई और उन्होंने पजल को सॉल्व करने के लिए जल्दी मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सेल्फ कंट्रोल कैन बी इम्प्रूव्ड। इसमें हमने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे जिन स्टूडेंट्स ने ब्रेकफास्ट मिस किया था वो मिसबिहेव कर रहे थे, जबकि लंच खाने के बाद सब नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग सेल्फ कंट्रोल इज इन हैबिट्स, यानी बेस्ट यूज सेल्फ कंट्रोल का यही है कि जो टास्क हम रिपीटेडली करना चाहते हैं उससे हम हैबिट्स बना लें अपने सेल्फ कंट्रोल को यूज करके, क्योंकि हैबिट्स के लिए बहुत ही कम सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल और विल पावर पर एक और अमेजिंग बुक लिखी गई है, विल पावर इंस्टिंक्ट बाय केली मैकगोनिगल, जिसे अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 140 से भी ज्यादा फ्री बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। ये प्योर नॉलेज स्टफ है, नो फिक्शन, जस्ट प्योर इलीट नॉलेज।
तो अगर आप नॉलेज वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को सेल्फ डिसिप्लिन को समझने में हेल्प कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, हो सकता है ये उनके काम आ जाए। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।